राष्ट्रीय लोकदल की मुखिया ने अपने दल की महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी ममता शुक्ला को सौंपी है। महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के बाद ममता शुक्ला शनिवार को पहली बार गोरखपुर पहुंची, जहां गोरखपुर राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों ने ममता का भव्य अभिनंदन कर उन्हें बधाइयां दी। इस अवसर पर पार्टी की एक बैठक रेलवे स्टेशन रोड स्थित डाक बंगला में आयोजित हुई, जहां पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नव निर्वाचित महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष ममता शुक्ला को माल्यार्पण कर उनका भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह सैंधवार, महानगर अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधाकर पांडे, संतोष मिश्रा, अनिल पांडे, विजय कुमार सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की नव निर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष ममता शुक्ला ने कहा, चौधरी अजय सिंह जिंदाबाद, 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 जयंत चौधरी जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय लोकदल 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। समारोह के लक्ष्य में है और आज जिला और महानगर कमेटी, जिला अध्यक्ष रमेश सिंह सैंधवार के नेतृत्व में आज सिंचाई डाक बंगले पर हमारे महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष जी के स्वागत में हम लोग एकत्रित हुए हैं। नौ नियुक्त जिला प्रदेश उपाध्यक्ष महिला क्योंकि इस जिले में आई हैं, तो जिला और नगर कमेटी का परिचय और हमारे जिले में राष्ट्रीय नेता से लेकर और प्रदेश के उपाध्यक्ष तक हैं लोगों से। अब हमारे पुराने नेता विजय यादव जी महासचिव, जिले की हमारी कार्यकारिणी, नगर की कार्यकारिणी, हमारे नव नियुक्त पूर्वी जोन के छात्र के अध्यक्ष ये चुने गए हैं। हमें पार्टी ने दायित्व ये दिया है कि महिलाओं को अभी हमें जोड़ने की ज़रूरत है और ख़ासकर हमारी महिलाएं अभी भी बहुत पीछे हैं और उनके साथ आए दिन होने वाले जो भी शोषण, अत्याचार, जो भी चीज़ें हो रहा है उसको अगर उन्हें जागरूक नहीं किया जाएगा तो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए महिला प्रकोष्ठ को बढ़ावा देना मेरी ज़रूरत है। इसलिए पार्टी का भी कहना है कि महिला प्रकोष्ठ को मजबूत करना है। अगले चुनाव में हमारा जहाँ तक कहना है कि महिलाओं को पूर्ण भागीदारी उनकी होनी चाहिए और कोशिश भी हमारी पार्टी यही प्रयास करेगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी में टिकट दिया जाए और उनको उठाया जाए। चुनौती तो हर चीज़ों में होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें चुनौती नहीं होती है, मगर उसके लिए प्रयास करना ये ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए प्रयास करूँगी कि इस चुनौती का मैं सामना कर सकूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी आगे बढ़े और महिलाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। खासकर